हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी टीनेजर स्किन केयर रूटीन के बारे में, जो कि हमारी स्किन को हेल्दी रखेगा और सॉफ्ट और ग्लोइंग रखेगा। आपके स्किन पे पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी इससे काफ़ी हद तक कम हो सकती है। आगे चल के आपको पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप टीनेजर एज में ही अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, तो आपको आगे चल के बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या रूटीन फॉलो करना है। तो गाइस, ये रूटीन है कॉलेज एंड स्कूल गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं डेली रूटीन में। और अगर आप डेली रूटीन इसको फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन आगे चल के बहुत अच्छी होगी और सॉफ्ट और ग्लोइंग लगेगी और आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ की। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आप फ्रेश होते हैं तो आपको फेस वॉश से अपना चेहरा अच्छे से धोना। आपको साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, फेस वॉश, माइल्ड फेस वॉश यूज़ करना है। माइल्ड फेस वॉश हिमालय का जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये माइल्ड फेस वॉश है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। आपके स्किन के लिए बेटर है, ये टीनेजर की स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। इसका छोटा पैक भी आपको मिल जाएगा और आप बड़ा पैक लेना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप ये वाला फेस वॉश यूज़ कीजिए, ये काफ़ी अच्छा है, ये नीम का है, तो ये आपके स्किन पे अच्छा रहेगा। तो आपको सुबह उठ के फेस वॉश करना है इससे। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, बेबी क्रीम, हिमालय की जो बेबी क्रीम है स्क्रीन पे दिख रही है, आपको ये यूज़ करनी है। आप चाहे तो जॉनसन बेबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जॉनसन बेबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप हिमालय की ये बेबी क्रीम काफ़ी अच्छी है, आप यूज़ करके देखोगे। टीनेजर के लिए ये स्किन पे बहुत ही अच्छी होती है, बेबी की तरह स्किन होती है टीनेजर की, इसलिए ये काफ़ी अच्छी है, तो आप इसे यूज़ कीजिए। और अगर आप कॉलेज या फिर बाहर जा रहे हैं, किसी भी जगह आप जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सनस्क्रीन यूज़ करनी है ज़रूर। ये हिमालय की सनस्क्रीन है, ये काफ़ी अच्छी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपको SPF 15 मिल जाएगी, तो ये टीनेजर के लिए काफ़ी अच्छी होती है, उनके स्किन पे ये अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है, तो आप ये यूज़ कीजिए। फिर आपको क्या करना है, अपने लिप्स का भी ध्यान रखना है, तो आपको हिमालय बेबी लिप भी आता है इसमें और ये लिप बाम भी है, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि हमारे होठों को सॉफ्ट रखता है, लिप्स को एकदम और शाइनी रख। तो आपको ये रूटीन फॉलो करना है डेली, तो आप अपने होठों को अगर वैसलीन लगाना चाहें तो वो वैसलीन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको गाइस अपने फेस का काफ़ी ध्यान रखना है। इस एज में क्या है कि हम ध्यान नहीं रखते तो आगे चल के हमारी काफ़ी हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। तो आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए डेली, तो आपकी स्किन बेटर 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 होती जाएगी धीरे धीरे और काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट लगेगी और आपका जो चेहरा है वो भी ग्लोइंग लगेगा, निखर के आएगा आपका अंदर से। तो फिर तो आपको ये रूटीन फॉलो करना ही है। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। तो अगर आपको मेरे चैनल का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल बटन को प्रेस कर देना प्लीज़। थैंक यू।